रावलपिंडी में लाल हवेली को पुलिस ने सील कर दिया है। हवेली के अतराफ में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद 1 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। शेख साहब, पुलिस ने लाल हवेली को सील कर दिया है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, किस तरह देखते हैं सारे मामले को? अब अवामी मुस्लिम लीग का आइंदा का लाया अमल क्या होगा? देखें, ये बेवकूफ हैं, इनका इनमें ये वीएन नहीं है, इनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक रैली निकाल रहे हैं, पैदल कर दिया, गाड़ी कोई दाखिल नहीं हो सकती, किस चीज से घबराए हुए हैं कि क्या इनका मसला क्या है? ये हालात को खुद खराब करना चाहते हैं। और मैं शहबाज शरीफ साहब से, वो यकीनन इस सारी सूरत हाल को देख रहे होंगे, बाद में कहेंगे मुझे पता ही नहीं था। अगर कोई हादसा हुआ या कोई नुकसान हुआ तो पहली दफा हम, इससे पहले हमने कभी हुकूमत के खिलाफ ये सोच नहीं रखी, हम समझेंगे कि ये इन्होंने कराए हैं और इनकी जिम्मेदारी इनकी है। 1 बजे हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे, हम फैसला करेंगे कि हमने शाम को फिर क्या करना है। अच्छा शेख साहब, शेख साहब, आपकी जानिब से 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी किया गया है, क्या ऐलानात करने जा रहे हैं? कुछ लोग करेंगे जी, अभी ताहिर अल कादरी साहब से रबते में हूँ, सारे मुश्तरक बयान फैसला हो और किसी कीमत पर भी हम रैली से पीछे नहीं होंगे जी। अच्छा, ये रैली जो है आज की बजाय कल तक भी जारी रहे। शेख साहब, किस चीज का खौफ है, आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, सील कर दिया गया है आपके घर को? मालूम नहीं, 13 अगस्त को भी इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हमने हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने हमें, जस्टिस बहादुर रहमान लोधी ने हमें इजाजत दी, फिर ये रिव्यू पे गए और आवाम तो अब इनसे नाला है जी, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। आज की रैली की कामयाबी में हमसे ज्यादा इनकी जो मिसमैनेजमेंट है और लोगों की इनसे नाराजगी है और लोगों के मसाइल हैं, उसका रिएक्शन है जिससे ये घबराए हुए हैं। अगर ये हमें तंग करेंगे, शाम को हम कुछ भी फैसला कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, कल वजीर आजम साहब ने ढके छुपे अल्फाज में आपको तनकीद का निशाना बनाया, आपने भी उस पर रद्द अमल दिया, क्या ये उसी का रिएक्शन तो नहीं लग रहा? बस जी, प्राइम मिनिस्टर अगर एक आम मस्कीन से और यतीम से मेम्बर को और सादा और शरीफ आदमी को ये कहे कि मैं अगली असम्बली में आप सुन नहीं होंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही आफत है। इसका मतलब है कि देखें कि एक शख्स से इतने खौफजदा है कि एक मुल्क का वजीर आजम तीसरी मरतबा मेरा कन्वेंशन सेंटर में भी कहा, फिर उससे पहले कहा उस चौक पे। तो अगर पिंडी के लोगों ने मुझे वोट दिए हैं तो कोई गुनाह नहीं किया। अगर आप हारे हैं तो आपके जो 4 सेंटर फॉरवर्ड जीते हैं उनके बक्सों में से तो गंद निकला 70-70, 80-80 हजार वोटों का। आपके 4 सेंटर फॉरवर्ड गुजरा के अंदर से कचरा निकला, गार्बेज निकला उनके जो इलेक्शन वोटिंग बैलेट पेपर बॉक्सेस हैं, फैले हैं। तो आप हमें सरेआम ललकार रहे हैं कि तुम अगली से अगली असम्बली, अल्लाह को पता है क्या होनी है, क्या नहीं होनी, कब होनी है, कैसे होनी है। याद के इलम तो अल्लाह को पता है, पता नहीं मैंने होना या नहीं होना और नवाज शरीफ साहब ने होना या नहीं होना, ये तो अल्लाह को पता है। ये तो बड़ी तकब्बर की बात उन्होंने की है। अच्छा शेख साहब, कल वजीर आजम साहब ने तोता फाल का जिक्र किया, किसको निशाना बनाया, क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, वो ऐसी बातें करते रहते हैं, ना मैं फाल वाला हूँ ना मैं तवीज डंडे वाला हूँ। जिस दिन नवाज शरीफ साहब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस से तवीज निकलेंगे और ये इंडिया तक से तवीज मंगा के और इंडिया तक से ये वो क्या होता है जो फर्म पढ़ाने का अमल जारी रखते हैं, आवाम को पढ़ने की कोशिश करें। और शाम को आज 7-8 बजे आवाम को ये पढ़ लेंगे, समुंदर होगा इंशाल्लाह आवाम का। कंटेनर हमें हटाने भी आते हैं और हम हटा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, आपके कारकुनान भी यकीनन मौजूद होंगे लाल हवेली के बाहर, भी लोग आ रहे होंगे आपकी तरफ, पुलिस के साथ किसी हंगामा आराई का तो कोई खदशा नहीं है, कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने कारकुनान को? यकीनी हो सकता है जी, 6 बजे हमने तो 6 बजे लोगों को टाइम दिया है, फिर हम रास्तों को देखेंगे किस रास्ते से पहुंचे और कहाँ पहुंचे, टोलियों की शक्ल में पहुंचे, फैसला करेंगे 1 बजे इंशाल्लाह सर जी। ठीक है शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका।